इस मैच को स्टार्ट करें। और आज हमारे इस यहाँ पे जो नगर सेवक है श्री सलमा अलमेलकर जी, उनके साथ में सलीम अलमेलकर जी, आज सलीम अलमेलकर जी का जन्मदिन भी है, तो हम शाम को उनका जन्मदिन इसी ग्राउंड पर मनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि सलीम भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया इस टूर्नामेंट के लिए। सोनू अलमेलकर जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, इमू जिन्होंने यहाँ पर साथ में रहकर इस ग्राउंड की साफ सफाई को लेकर बहुत हमें यहाँ पर उनका योगदान रहा। 4-5 दिन तक उन्होंने हमारे साथ रहे, उसके पहले भी जब हमें JCP और सारी चीज़ों की ज़रूरत लगती रही तो वो हमारा साथ बिल्कुल देते रहे यहाँ पर इस ग्राउंड के ऊपर। तो चलिए देखिए हमारे साथ गुड्डू भाई मौजूद है, तो गुड्डू भाई मैं पूछना चाहूंगा कि ये ग्राउंड को मैं काफी समय से खेल चुका हूँ, इधर पे मैंने काफी मैच खेले हैं, तो इधर पे काफी इतनी इतनी साफ सफाई नहीं हुआ करती थी, काफी खड़बुड़ा हुआ करता था, पत्थर काफी थे, तो इसके पीछे क्या कहानी रही, कितने लोग जुड़ पाए आपके साथ में और कितनी मेहनत गई, इसके बारे में आपको जरा बताना होगा जनता को, प्लीज बताइए हमें। जैसा कि राहुल, यहाँ बारिश के बाद तो आपको मालूम है कि काफ़ी सारी घास होती है इस ग्राउंड के ऊपर, इस ग्राउंड पे आना बहुत लोगों को डर लगता है कि
20। ट्वेंटी 24 रन। ट्वेंटी 8 रन, 4 ओवर। वंडर बॉयज और चांसलर के कप्तान से निवेदन करूंगा कि कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाएं, टॉस उड़ाना है। ये चौथा राउंड होगा, इसके बाद बेहतरीन मैच आपको देखने मिलेगा।
चांसलर के कैप्टन अलाउ यहां पर आ जाए, चांसलर के कैप्टन। दोनों ही कप्तान से निवेदन करूंगा कि प्लीज आ जाएं। वंडर के कप्तान खलील, वंडर के कप्तान प्लीज आ जाए टॉस के लिए। और चांसलर के कप्तान से भी निवेदन करूंगा मैं, वंडर के कप्तान प्लीज आ जाए। चांसलर के कप्तान आ चुके हैं हमारे पास में, निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द वंडर के कप्तान आ जाए। जी वंडर के कप्तान आ चुके हैं दोनों ही कप्तान, टॉस उड़ने जा रहा है। कोई नहीं, उड़ा उड़ा ये जंगली है, जंगली ये जा ए बहुत पुराना नाम क्या, नाम क्या है गुड्डू भाई, नाम क्या? मंगली भाई बहुत पुराना, मंगली भाई काफी सीनियर क्रिकेटर। नो बॉल, इशारा बाकी अंपायर का। अंपायर हमें जरा निर्णय बता दे। टॉस उठता हुआ चांसलर और वंडर के बीच में, जी नो बॉल थी और फ्री हिट मिला, फ्री हिट होगी ये बॉल। राणा भाई कौन जीता है टॉस? और हमारे बीच में एमसीए के एक और अंपायर आते हुए इम्तियाज, जो कि नारा सुपारा में इन्होंने काफी अच्छा इनका नाम है, काफी अच्छे ये वहां पर एक एम्पायर रह चुके हैं वहां पे, और एमसीए के बहुत अच्छे सारे सर्टिफिकेट ले चुके हैं वहां पर मेरे दोस्त इम्तियाज रिजवी, यहां पर मेरे साथ उपस्थित नाला सुपर की शान हमारे साथ जुड़ते हुए यहां पर इम्तियाज रिजवी जी, आपका स्वागत है। और आप देख सकते हैं कि एक भाई मेरे साथ स्टेज पे अभी अभी जुड़े हैं जस्ट नाला सुपारे से, और दूसरे भाई वहां पर आप देख सकते हैं जो कि लेग अंपायर कर रहे हैं वहां पर, वसीम रिजवी। दोनों ही भाई वसीम जो है मुमरा में उन्होंने एमसीए का यहाँ वहां से उन्होंने सर्टिफिकेट हासिल किया, और इम्तियाज रिजवी ने जो है एमसीए का सर्टिफिकेट जो है नाला सुपारा में ये हासिल किया है, जो संजय मेहरा जो पुराने पुराने क्रिकेटर है जो सारे वहां पर, संजय मेहरा है, इम्तियाज है, ऐसे काफी वहां पर और सारे लोग वहां पर उपस्थित है, तो उनके साथ में इम्तियाज भी वहीं पे है। तो इम्तियाज आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनका तहे दिल से इस्तकबाल यहां पर इस टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल गुड्डू भाई, और लगातार यहां पे हमारे गेस्ट आते हुए, शानदार गेस्ट इस दफा एमसीए के सर्टिफिकेट लेने वाले नाला सुपारा से, और दो रन चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और इस बीच मेरे दोस्त इम्मू यहाँ पर आते हुए, इम्मू गुत्ताड़ा जी बिल्कुल, नहीं नहीं भाई वो मेरा दोस्त उसी से फेमस है भाई, वो मेरा भाई उसी से फेमस है, मैं तो वही बोलूंगा उसको। हाँ हाँ तो बोला ना भाई, सुबह अलाउंस किया कि नहीं किया? वन टू गो, सलीम भाई का बर्थडे आज। हाँ तो इम्मू, इम्मू के बड़े बॉस
34 रन बनाना है, 34 रन बनाकर इस मैच को जीतना होगा रजा बॉयज को। हेलो हेलो, चल से चल फील्ड लगा दे और रजा के कप्तान से कहूंगा कि अपने दोनों ओपनर बल्लेबाज भेज दे। 34 का लक्ष्य रखा है यहां पर जीत के लिए। इसके बाद का जो टॉस उड़ा है वंडर के बीच और चांसलर के बीच उड़ा है टॉस, टॉस जीता है चांसलर ने। जल्द से जल्द डिसीजन दे दे पटेल और यहां पे दोनों टीम को बताऊं आपके पास ब्लैक ट्रैक पेन है तो आप 11 के 11 ब्लैक ट्रैक पेने हैं, वाइट है तो पूरी वाइट पेने। वहां बाउंड्री के बीच लॉन्ग की दिशा में जो बाउंड्री के अंदर बैठे हैं जरा उसे पीछे कर दे लॉन्ग की दिशा में, वो जरा बच्चे लोग को पीछे करो ना, वो बाउंड्री के बाहर करो उधर, ये बच्चे लोग जरा पीछे हो जाओ वहां से, वो बाउंड्री के अंदर बैठे हैं जरा पीछे जाए, पीछे जाए, पीछे हटो जरा प्लीज, पीछे जाओ और दो कदम पीछे जाओ पीछे। हेलो हेलो, फिल्डर आके वहां पे आंख के ऊपर गिर जाएगा भाई तुम्हारे, पीछे हो जाओ प्लीज, बच्चे लोग जरा पीछे हो जाओ। वो बाइक किसकी जरा पीछे लेने बोलो, बाइक किसकी बाइक है वो, बैट्समैन भेज दे प्लीज। रजा बॉयज से निवेदन करूंगा कि बैट्समैन भेज दे। और ये मैच का आगाज होते हुए पहले इनिंग में रॉयल किंग ने बनाया 33 रन, 34 रन बनाने होंगे रजा बॉयज को। कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी देखने मिली रजा के गेंदबाज से। हेलो हेलो, ए बेटा वो बाउंड्री का झेंडा उठा के लगा दे उधर। जी बिल्कुल, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी बशीर भाई और रजा के कप्तान। जरा अपने फील्डरों को वहां ले लो भाई प्लीज, थोड़ा वो साइड ले लो भाई, जरा वहां पे कुर्सी पे जो जितने जन फालतू बैठे उठ जाए वहां पे, ये टीम के बच्चे लोगों को बैठने दो, प्लेयर लोगों को कुर्सी छोड़ो वहां, बच्चे लोग। आसिफ आसिफ इधर आ जा तू, इधर ये सड़ो।
छह रन, एक ओवर छह रन बिना किसी नुकसान के।
हेलो, हमारे बीच एक जाने माने नामचीन पुराने खिलाड़ी, उनका स्वागत है हकीम भाई का हमारे बीच में। इनका स्वागत है क्योंकि एक रॉयल में, वंडर में, बहुत से टीम में, हमारे मालनी के टीम में खेले हैं, सामना नगर में भी खेले हैं। आज कुछ हालात की वजह से रिटायरमेंट ले लिए हैं और इस मैच को देखने के लिए खासकर आज जो इस ग्राउंड पे ऑर्गेनाइज किए हैं हमने जिया स्पोर्ट्स क्लब में। पंद्रह रन जी, 15 रन अभी तक दोनों ही बल्लेबाजों के निकले हुए। लगातार अच्छी गेंदबाजी देखने मिली वहां पे और उतनी अच्छी बैटिंग करते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त ज्यादा कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। लगभग नीचे नीचे से खेलते हुए कारपेट शॉट, सिंगल डबल पे ज्यादा भरोसा दोनों ही बल्लेबाजों को, और क्योंकि ज्यादा स्कोर बनाना नहीं है, लगभग 34 का टारगेट है, उसी को देखते हुए दोनों ही बल्लेबाज कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन देखना होगा अगली गेंद, वेलकम। थोड़ा सा ब्रेक था आधे घंटे का और आउट हुए वहां पे। इस दफा बड़ा हिट लगाना चाहते थे मच, लेकिन नाकाम रहे। एक अच्छी गेंदबाजी थोड़ी सी आगे की तरफ से उसे खेलना चाहते थे लेग साइड पर, लेकिन नाकाम रहे। नेक्स्ट बल्लेबाज अशोक आते हुए, देखना होगा कहीं ना कहीं इस जोड़ी को लेके जाना होगा, टारगेट को पार कराना होगा। उतनी अच्छी गेंदबाजी रॉयल किंग की तरफ से देखने मिल रही है हमें लगातार। कहीं ना कहीं मैच टफ होता हुआ नजर आ रहा है हमें। पहली गेंद सामना करेंगे पहली गेंद शॉट थी वहां पे आते साथ सरप्राइज करते हुए अशोक को, कट लगाना चाहते थे थर्ड मैन की जानिब से। और एक और बड़ा झटका गिरता हुआ यहाँ पे रजा बॉयज को। इस दफा अशोक के रूप में थोड़े से नाराज होंगे, एलिवेशन नहीं मिला उतना शॉट पे, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन अच्छा कैच वहां पे रॉयल किल के फील्डर के हाथ में जाता हुआ वहां पे। और क्या गेंदबाजी की, अभी तक का बांधे रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को, कोई मौका नहीं दिया इस बॉलर ने। लेफ्ट हैंड बल्ले बॉलर करते हुए
पहली गेंद अशोक को सरप्राइज किया था बाउंसर पे, और अगली गेंद आगे डालकर एक विकेट निकालते हुए बॉलर। अगली गेंद हेलो हेलो, तीन ओवर की समाप्ति पर यहाँ पे टीम का स्कोर है 19 रन। यहाँ पे जैसे ही ओपनिंग यहाँ पे फहीम और हर्षल दोनों ही ओपनर बल्लेबाज यहाँ पे, जहाँ पे रजा को झटके लग चुके हैं, यहाँ पे तीन विकेट गिर चुकी है। हर्षल ओपनिंग से यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो हमारे टेलिया जो के कहे थे कि अगर हर्षल हर गेंद पे छगे लगाएंगे तो उनको हर गेंद पर 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब भी अनाउंसमेंट कर रहा हूं, हमें जब ओपनिंग चले गए थे जब ही यहाँ पे उनका इनाम आ चुका था। तो यहाँ पे तीन ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है रजा को झटका लग के 3, अशोक फहीम और मोनू के रूप में यहाँ पे झटका लग चुका है और रन है 19। मैं यहाँ पे जितने भी दर्शक इस मैच का आनंद उठा रहे हैं, मेहरबानी करके प्लीज आप लोग डिक्लेयर जोन के बाहर बैठे, बाउंड्री के बाहर बैठे। फिर एक बार यहाँ पे लंबा हिट करना चाहते थे, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे आज देखने मिल रहा है। 34 का लक्ष्य रखा है उसका रजा, 22 जो पीछा करते हुए अब तक के 3 झटके लग चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कितनी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी दर्शक मेहरबानी करके प्लीज आप हमें कॉपरेट करें, कल के मैच में जैसा हमें यहाँ के जितने भी दर्शक थे कॉपरेट किए, आज भी प्लीज उसी तरह हमें साथ दें। अगली गेंद लेकर यहाँ पे राउंड द विकेट गेंदबाज, फिर एक बार बढ़िया शॉट, गेंदी पटकी हुई गेंदी, उसका फायदा नहीं उठाया, पॉइंट की दिशा में खेला, एक हल्की आउट फील खराब होने के कारण सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया 4 रन के लिए। बढ़िया शॉट यहां पर, हल्की शॉट गेंदी, उसका फायदा उठाया, लेकिन यहां पे कुछ आउट फील खराब होने के कारण गेंद फील्डर से मिस हुई और सीमा रेखा के बाहर गेंद गई। 4 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 23 रन। हमारे बीच में हमारे तमाम पुराने पुराने जो के जितने भी अच्छे अच्छे खिल्डर फील्डर जो देख रहे हैं, मिस्टर भाई बड़ा भाई, बहुत से अच्छे अच्छे फील्डर हैं यहाँ पर जो के मालनी के जो आज नहीं खेल पा रहे हैं, रिटायरमेंट दे चुके हैं, इनका स्वागत है जिया स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। जी बिल्कुल बशीर भाई, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और काफी बढ़िया यहाँ पे शॉट लगाया था हर्षल ने ऑफ साइड, थोड़ी सी आउटफील्ड खराब थी, उसका फायदा मिला हर्षल को, 4 रन मिलते हुए राजा बॉयज के बैट्समैनों को स्कोर आप पहुंच चुका है 24 रनों पर, कहीं ना कहीं 10 रन अभी भी चाहिए। 9 गेंदों में 10 रनों की जरूरत, कहीं ना कहीं देखना होगा, एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी इस मैच को जीतने के लिए। क्या बढ़िया फील्डिंग, जोरदार तालियां, क्या बढ़िया फील्डिंग, उतना ही बढ़िया यहां पर थ्रो, अन्ना क्या बढ़िया फील्डिंग किया यहां पे, उतना बढ़िया यहां पे कलाइयों को उपयोग किया था सहबाज ने, हल्के हाथों से ढकला था, उतनी बढ़िया वहां पे फील्डिंग। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर सरकता हुआ 25। आप देख सकते हैं 16 टीम का जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है, कल के दिन में ओपन की टीम खेली गई थी, और ये हवा में खेला हुआ शॉट, फील्डर गेंद के नीचे, और ये ड्रॉप हो चुका है कैच यहां पर, अच्छा ट्राई किया था यहां पे, लगभग लगभग यहां पे 5 से 6 कदम कैच छूटा, 2 रन पूरा किया, टीम का स्कोर 27 रन। कल के दिन में ओपन की टीम जो कि उमर 11 में यहां पे फाइनल में प्रवेश किया है, एक अच्छा अच्छा मैच देखने मिला, एक अच्छे अच्छे प्लेयर देखने मिले,
वीर एक बार यहाँ पे लंबा हिट करना चाहते थे, बाकी का काम वहां पे दादा ने किया कल के दिन में यहाँ पे। थैंक यू बशीर भाई हमको हाल बताते हुए। अभी कुछ 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत, मैच का टर्निंग पॉइंट आता हुआ कहीं ना कहीं देखना होगा। 6 गेंदों में क्या 7 रन बन पाएंगे, क्या बॉलर मेहनत कर पाएंगे देखना होगा दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर। बल्लेबाजी वन साइडेड हो रही थी, आज ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजों का दबदबा है। जिस तरह की गेंदबाजी थोड़ी देर पहले मुकेश ने की, यहाँ पर मैडन ओवर डाला, 4 विकेट लिया, अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक प्रवेश करवाया। और अब इस बार 34 रन का लक्ष्य एक आसान सा लक्ष्य था, लेकिन इस बार थोड़ा सा मैच फंसा है। 6 गेंदे 7 रन देखना है वहाँ पर, दोनों ही अच्छे बल्लेबाज वहाँ पर मौजूद है लेकिन गेंदबाज भी उतने ही अच्छे है। तो देखते हैं क्या हो सकता है आगे का हाल। Over to you, Rahul. Thank you. और ये पहली गेंद पर चक्का लगाते हुए वहां पे थोड़ी सी गलती कर बैठी,